दिल्ली के 30,000 कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हुई है। झड़प के बाद वकीलों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। गुस्साए वकीलों ने कोर्ट के लॉकअप रूम में भी आग लगा दी। पुलिस और वकीलों के बीच झड़प के दौरान फायरिंग की भी खबर है। उधर हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पीएम मोदी भारत आसियान पूर्वी एशिया और क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने थाईलैंड दौरे से पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि पड़ोसियों के साथ उज्जवल भविष्य और खुशहाली के लिए सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करना भारत की प्राथमिकता होगी। भारत के ग्लोबल पावर बनने के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विश्व के आर्थिक विकास में एक बड़ी भूमिका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। पंजाब के मानसा में किसान लगातार विरोध करते हुए पराली जला रहे हैं। सिर्फ मानसा में ही पिछले 72 घंटों में 1,000 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। किसान अपने किसान संगठनों की गाड़ियों पर सवार होकर आते हैं और फिर जिस किसान का खेत होता है उस किसान के साथ मिलकर खेत में पराली को आग लगा देते हैं। इन किसान संगठनों के मुताबिक अगर सरकार उनको पराली का समाधान करने के लिए खरीदे जाने वाले ट्रैक्टर और दूसरी जरूरी मशीनों के लिए सही सब्सिडी दे। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में अब पराली जलाए जाने वालों की जानकारी देने पर हरियाणा सरकार 1,000 रुपए का नकद इनाम देगी। इसके अलावा जानकारी देने वाले का नाम सरकार गुप्त रखेगी। हरियाणा सरकार के मुताबिक इस साल पराली जलाने के मामले में कमी आई है। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली जलाने को माना जा रहा है। गैस चैंबर में बने दिल्ली एनसीआर को अभी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली की हवा आज और भी जहरीली हो गई है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली के आनंद विहार, नरेला, वजीरपुर समेत कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में कई जगह धुंध छा गई है जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सड़कों पर कोहरा छाने से गाड़ी चलाने वाले लोगों को दिन में हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण की बढ़ी वजह आसपास के राज्यों में पराली जलना है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल को उड़ने से रोका जा सके। दिल्ली के गीता कॉलोनी में सड़क पर टैंकर से पानी का छिड़काव किया। उधर दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी प्रदूषण से बचाव के लिए दमकल की गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में AQI 400 के पार है जो कि बहुत खतरनाक है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम और इसके पास की जगहों में प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी पानी का छिड़काव करते नजर आए। कल वहां भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच खेला जाना है जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस दौरान बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मास्क लगाकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी खतरनाक बना हुआ है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी हवा जहरीली बनी हुई है। गुरुग्राम में हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। प्रदूषण की वजह से कई इलाकों में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो लोगों ने सांस लेने में परेशानी की बात भी कही। कई इलाकों में तो लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकले ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। पंजाब में पराली जलाने का असर पर्यावरण पर साफ देखा जा रहा है। पंजाब में पराली जलने से निकलने वाला धुआं खतरनाक कोहरे और धुंध का रूप ले चुका है। धुंध की वजह से चंडीगढ़ पटियाला हाईवे 7 पर विजिबिलिटी गिरकर 50 मीटर के करीब रह गई है। विजिबिलिटी कम होने से हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोग दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं।
पंजाब के कई इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, जिस वजह से प्रदूषण में इजाफा हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद में खेतों में पराली जलाने की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों ने घेर लिया। बताया गया कि कृषि विभाग के अधिकारियों को ढाणी चेतनपुर गांव में खेतों में पराली जलाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन अधिकारियों को देखकर किसानों का पारा चढ़ गया। इसके बाद गुस्साए किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को घेर लिया। किसानों के गुस्से को देखते हुए अधिकारियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के ई रिक्शा यूनियन के सदस्य आपस में भिड़ गए। ई रिक्शा यूनियन के दफ्तर पर कब्जे के लिए दोनों दलों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों दलों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। इस दौरान कुछ लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक शादी समारोह में दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि शादी के बाद बारात निकालने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और मामूली कहासुनी से विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते जंग के मैदान में तब्दील होता चला गया। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। कोई लात घूंसे बरसाता हुआ दिखाई दिया तो कोई प्लास्टिक की कुर्सी दनादन चलाता हुआ नजर आया। यही नहीं, कुछ लोग लाठी से भी एक दूसरे पर वार करने से नहीं चूक रहे थे। महिलाएं भी इस मारपीट में पीछे नहीं रहीं, वो भी अपने लोगों को बचाने के लिए हाथ पैर चलाती हुई दिखाई दी। शादी के पंडाल में काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती रही। बाद में किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक सिपाही के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बागपत में तैनात सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई थी, लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और एनएच 24 पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ पुलिस वाले एक बुजुर्ग को जबरन गाड़ी में धकेलते हुए नजर आए। शव के साथ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को भी तुरंत वहां से जाने के लिए कहा गया। इससे पहले मौके पर पहुंची पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। सिपाही की मौत पर घरवाले काफी गुस्से में थे। लोग सड़क जाम कर सिपाही के बेटे को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। झारखंड के जमशेदपुर में दो भाइयों ने मिलकर एक पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि पुलिस वाला शराब के नशे में एक घर में घुस गया और फिर घर की महिला के साथ बदसलूकी करने लगा। इतना ही नहीं, पुलिस वाला महिला को उठाकर ले जाने की धमकी देने लगा। इस बीच महिला ने शोर मचा दिया, जिसके बाद महिला के दो बेटों ने पुलिस वाले को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। एक लड़के ने पुलिस वाले को कॉलर से पकड़ रखा था और उस पर लगातार थप्पड़ बरसा रहा था। इसी दौरान महिला का दूसरा बेटा पीली शर्ट पहने एक आदमी के साथ भी मारपीट करता दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल के गौघाट विधानसभा में विकास नहीं होने से नाराज लोगों ने टीएमसी के विधायक मानस मजूमदार का जमकर विरोध किया। हंगामा उस वक्त हुआ जब टीएमसी के दीदी के बोलो कार्यक्रम में मानस मजूमदार शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचते ही इलाके के लोग भड़क गए। नाराज लोगों ने विधायक मानस मजूमदार को घेर लिया और उनका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान इलाके के लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। बाद में विधायक के साथ आए कुछ लोग विरोध कर रहे लोगों को समझाते हुए भी दिखाई दिए। इलाके के लोगों का आरोप है कि विधायक बनने के बाद मानस मजूमदार ने उनकी एक बार भी सुध नहीं ली। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान जाने के लिए आवेदन दिया है। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिद्धू को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्योता भेजा है। इसके बाद सिद्धू ने पाकिस्तान जाने के लिए विदेश मंत्रालय में आवेदन दिया है।
इमरान की तारीफ करने पर सिद्धू लगातार विवादों में रहे हैं और वो इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे। नवजोत सिद्धू की पत्नी के मुताबिक अगर सरकार से इजाजत मिली तो सिद्धू पाकिस्तान जरूर जाएंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी रैली की गई। इस रैली में आजादी मार्च के साथ आए हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद की सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई। हजारों लोगों ने रास्तों को जाम कर दिया और इमरान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां हर तरफ लोगों का हुजूम नजर आया। इस रैली में पाकिस्तान के दोनों बड़े विपक्षी दलों ने भी हिस्सा लिया, जिसकी वजह से यह रैली और भी बड़ी हो गई। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो ने भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मंच को साझा किया। पंजाब के होशियारपुर में एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद तीन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि ये बदमाश पिस्टल के दम पर 24,000 रुपए और 35,000 का ऑयल लूट कर ले गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिखा कि पेट्रोल पंप पर एक सफेद रंग की कार आकर रुकी। तभी पंप के काउंटर की तरफ से एक कर्मचारी निकला और कार के पास पहुंच गया। इसके बाद तीन नकाबपोश लड़के कार से बाहर निकले और कर्मचारी को जबरन साथ लेकर पेट्रोल पंप के दफ्तर में दाखिल हुए और कैश काउंटर से पैसे निकाल लिए। लूट की इस वारदात के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। राजस्थान के झालावाड़ में परवन नदी में पुल बना रहे मजदूरों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में 7 फीट का एक मगरमच्छ नजर आया। मगरमच्छ के दिखने से मजदूर वहां इधर उधर भागने लगे। फौरन मामले की सूचना पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने रस्सी और क्रेन की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और उसे अपने साथ ले गए। इस दौरान वहां मगरमच्छ देखने के लिए लोगों की भी भारी भीड़ जमा हो गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए एक आदमी का पैर फिसल गया। वो आदमी चलती ट्रेन के साथ कुछ दूरी तक घिसटता चला गया। इस हादसे में उसकी जान बच गई। हुआ ये कि जब ये आदमी ट्रेन के साथ घिसटता हुआ जा रहा था, उसी दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद सीआरपीएफ के एक जवान की नजर उस पर पड़ी। सीआरपीएफ जवान ने दौड़कर उस आदमी को बचाया। ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के संभल में दो गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दो लड़के एक लड़के को नीचे गिराकर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर नीचे गिरे लड़के पर एक लड़के ने लात चलाई तो दूसरे ने भी उसकी पिटाई बताया जा रहा है, जहां मामूली विवाद के बाद मारपीट शुरू हुई। हालांकि बाद में उसने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और पिटाई करने वाले लड़कों को अपने साथ ले गई। गुजरात के अमरेली में शेरों का झुंड दिखने से दहशत फैल गई। शेरों का यह झुंड अमरेली के खंबा इलाके में रात में देखा गया। जिस समय शेरों का यह झुंड सड़क पार कर रहा था, उस वक्त वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी जो शेरों को निकलते देखते ही वहां पर रुक गई। इस झुंड में शेरों के 7 बच्चे भी शामिल थे जो सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। वहीं सुबह शेरों के एक खेत में देखे जाने से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में एक यादगार कैच लिया। हालांकि भारत ये मैच सिर्फ 1 रन से हार गया, लेकिन हरमनप्रीत का यह कैच पूरे मैच में सुर्खियां बटोर रहा है। सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले गए इस मैच में स्टेफनी टेलर ने अपना शतक पूरा करने के लिए छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रही हरमनप्रीत ने एक लंबी छलांग लगाते हुए एक हाथ से हवा में उड़कर बाउंड्री लाइन पर बेहतरीन कैच लिया और टेलर को अपना शतक पूरा किए बिना ही वापस लौटना पड़ा। चिली में सरकारी विरोध प्रदर्शनों की वजह से 2 बड़े इंटरनेशनल सम्मेलनों को रद्द करना पड़ा है। वहां मेट्रो का किराया बढ़ाए जाने के बाद शुरू हुए प्रदर्शन करीब 2 हफ्ते बीतने के बाद भी जारी है और सेना तैनात होने के बावजूद
सैकड़ों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों की सुरक्षा बल के साथ झड़प शुरू हो गई। गुस्साए लोगों ने सुरक्षा बल की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ते देख सुरक्षा बल ने भी लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और उनको वहां से हटाने की कोशिश की। लोगों पर पानी की बौछार करने के साथ बख्तरबंद गाड़ियों से आंसू गैस भी छोड़ी गई। हालांकि सुरक्षा बल की सख्ती के बावजूद लोग सड़कों पर डटे रहे। वहां मेट्रो का किराया बढ़ने के बाद शुरू हुए प्रदर्शन में कुछ वक्त बाद गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ रही खाई जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए, जिसके बाद लोग छोटे मोटे सुधारों की बजाय बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग करने लगे। स्पेशल बुलेटिन में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।